हेलो लिब्रास, कैसे हैं आप लोग? तो लिब्रास, इस वीक में कैसा रहने वाला है एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लिब्रास, सबसे पहली चीज़ तो जो आपके शुक्र देव है लगन लॉर्ड, वो फिलहाल आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो इंडिकेट करता है एनर्जीज को कि देखो, आपका साहस, पराक्रम, मेहनत करने की क्षमता, विल पावर बहुत बढ़िया रहने वाली है। आपके छोटे भाई बहनों से भी अच्छे संबंध रहेंगे, अच्छा कनेक्शन आपको महसूस होगा, हो जाएगा। सो ऑल दैट विल बी गुड। एंड हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट स्टिल वो आप खुद ही मैनेज कर लोगे, बिकॉज आपकी विल पावर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कोई नो पर्सनल क्रिएटिव हॉबीज़ है, उन सब में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। तो ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, नो नीड टू वरी। ओके, सो अब देखो लिब्रास, कुछ ऐसे पोटेंशियल यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जितने भी लोग अभी नो अब्रॉड जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन बनी हुई है। आप लोग के वीज़ा लग सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, रास्ते आप लोग के लिए खुल सकते हैं, अच्छा माना जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, आपके बोलने के तरीके से जो आपके काम चलते हैं, चाहे वो रेडियो जॉकी हो गया, एचआर हो गया, लीडरशिप हो गई, वॉट एवर, जिसमें बोलने का काम ज़्यादा है, उन सारी फील्ड में भी आपको अच्छी सक्सेस देखने मिलेगी। एजुकेशन की बात कर लूँ, एजुकेशन भी बढ़िया रहने वाला है, कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई पड़ रही हैं। रिलेशनशिप विथ स्पाउस एंड लव रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत खटपट प्रॉब्लम्स लिब्रास इस वीक में भी बनी हुई दिखती हैं, क्योंकि मंगल देव भी आपके अभी भी रेट्रोग्रेड होकर आठवें भाव में है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको पेशेंस अभी भी रखना होगा इस वीक में भी। ये पोटेंशियल आप लोग का दिख रहा है इस वीक में। कर्म, मेहनत, इन सभी चीज़ों में आपको अच्छी सक्सेस देखने मिलेगी। एक न्यूट्रल सा वीक आप लोग के लिए मुझे दिख रहा है, बहुत नेगेटिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं, बट हाँ, एक न्यूट्रल वीक सा मुझे चलता हुआ दिख रहा है। जो ट्रांजिट है फिलहाल आपको न्यूट्रल रिजल्ट्स देते हुए दिख रहे हैं, तो ये इस वीक में कुछ ऐसी एनर्जीज बनी हुई दिख रही हैं। अब हम आगे टैरो मैसेजेस से भी जान लेते हैं क्या एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही है। ओके, सो लिब्रास, देखो यहाँ पर पहली चीज़ तो टू ऑफ कॉइन्स के कार्ड्स आए हैं, वो इंडिकेट्स पैसे को लेके थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी, पैसे का लेन देन होगा। भाई यहाँ से आप पैसा डाल रहे हो, वहाँ से पैसा आ रहा है, कोई बिजनेस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट लग सकती है, या मैं कहूँगी आपके कोई ना कोई कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कोई लोन लेना चाहते हो, इस प्रकार की चीज़ों में पैसा जाएगा भी, और आप अपनी इच्छा से डालोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पैसा डालना है, क्योंकि मुझे रिटर्न में कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने आप को ग्रो करना है, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने स्किल्स को ग्रो करना है, इस टाइप का भी होगा। या पैसे का थोड़ा ऐसा होगा कि भाई इनकम एक्सपेंसेस थोड़े मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, खर्चे थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये प्रकार की एनर्जीज रह सकती है। यस, पॉसिबल भी है, ज्योतिष के अनुसार भी थोड़े से ट्रांजिट्स भी ऐसे चल रहे, तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना होगा, इनकम एक्सपेंसेस थोड़े से गड़बड़ चलेंगे, तो खर्चे थोड़े सोच समझ के कीजिएगा इस वीक में, ये सजेस्टेड है। इसके आगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी एंजल्स एंड डिवाइन आपके जीवन में लेके आएंगे, पैसे कमाने के नए अवसर आते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, तो मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। देखो आपके सर्विस एंड बिजनेस दोनों में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कहीं ना कहीं से लाभ आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन साथ साथ में खर्चे भी ज़्यादा रहेंगे, या कह लो कि मनी का थोड़ा मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा इस वीक में। आगे पावरफुल कार्ड्स आए हैं, द कार्ड ऑफ एम्परर के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करता है कि आपकी विल पावर, आपके एनर्जी, मैंने पहले ही कहा कि थर्ड हाउस में शुक्रदेव आपके जाने वाले हैं, विल पावर बहुत बढ़िया आपकी रहने वाली है। जो चीज़ पे साधोगे अपनी एनर्जी, वो अचीव करोगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टेबिलिटी आपको एक्सपीरियंस भी होगी इस वीक में। सो ये सारे क्षेत्र और एंगल में आप लोग के लिए एक अच्छी एनर्जी दिख रही है। आई फील समवेयर आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे कि भाई लाइफ में मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैंने सोची है, तो मुझे बस चाहिए तो चाहिए, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है। इस वीक आपको इमोशनली या मेंटली कोई भी ईजिली ट्रिगर नहीं कर सकता है, चाहे आपके काम में हो, आपकी लव लाइफ में हो, आप ऐसे रहोगे कि भाई मुझे मेरे काम से मतलब रखना है, एंड कोई अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाएगा भी आपके दिल को, तो बहुत जल्दी उससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आपका सारा फोकस अपने ऊपर है, अपने प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लेने वाले हो।
ओके यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं, जो एंजल कार्ड्स आए हैं नो, जब हम यहाँ पर स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, रीडिंग की शुरुआत होते ही, दैट यू नो यू कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। ये भी एक आपकी एनर्जी ऐसी रहती हुई दिख रही है जहाँ पर आपको रियलाइज होगा कि भाई जो भी प्रॉब्लम हो ना आप उसको झेल सकते हो, यू कैन हैंडल इट। ओके, बहुत ही पावरफुल पोजिशंस आप लोग के लिए दिख रही है। यहाँ पर दी एम्परर के कार्ड्स आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वो बैठे हुए हैं, स्टेबल महसूस करोगे। और यहाँ पर भी एंजल्स आपको कह रहे हैं दैट यू नो यू कैन ओवरकम एनी थिंग। तो जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी आपको जीवन में नया लंबा रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है, आपके रास्ते में लग सकता है भाई कोई ब्लॉक आ गया, भाई इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके आगे कैसे बढ़े, यू नो आपको लगेगा भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, बट डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं दैट यू नो यू कैन डू इट। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चैलेंजेस आके आपको लग रहा है भाई ये तो ऑब्स्टिकल आ गया, अब ये कैसे सॉल्व करें, एंजल्स आपको सीधा सीधा कह रहे हैं दैट यू कैन डू इट। वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जो भी चीज़ों का आंसर्स आप खोज रहे हो, जो भी चीज़ों का आप डिसीजन लेना चाहते हो, एंजल्स आपको कह रहे हैं बहुत जल्द आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। और ये आंसर आपको आपके अंतर्मन से आएंगे, जैसे कि कोई आइडिया आ गया, कोई आपको यू नो मैं स्पेशली कहूँगी कि उन आइडियाज़ पे ध्यान ज़रूर आप दीजिएगा, बिकॉज आपको कोई ना कोई न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, न्यू इंसाइट्स आ सकते हैं, न्यू मैसेजेस आ सकते हैं, कोई गट फीलिंग आ सकती है, तो ज़रूर उसे फॉलो कीजिएगा, बिकॉज वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको राइट गाइडेंस मिलेगी, ज़रूर उससे मिलेगी। तो फोकस ऑन योर ड्रीम्स, इंसाइट्स एंड मैसेजेस, आपको राइट गाइडेंस उनसे मिलेगी। सो यू नो ऑल ओवर ये वीक एस्ट्रोलॉजी वाइज न्यूट्रल है, टैरो के हिसाब से इन्हों पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। एंड सभी चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन है दैट इज़ योर विल पावर, क्रिएटिव एनर्जी एंड यू नो कोई भी चीज़ को कंप्लीट करने की विल पावर बहुत अच्छी रहने वाली है। शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी इंडिकेटेड आ रहा है सभी रीडिंग्स में। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के लिए मुझे दिखे हैं फॉर दिस वीक लिब्रास। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।